तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्काईरूट के कलाम 5 इंजन के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस इंजन के साथ। कल ही मैंने एक वीडियो रिलीज किया जिसका नाम था इंडियन साइंस अचीवमेंट्स ऑफ 2020, मतलब इंडिया ने क्या अचीव किए, तो टोटल 18 मैंने दिखाए थे और आज स्काईरूट ने ये वीडियो डाल दिया। तो इस वीडियो के थ्रू एक बार जाएंगे और एक्सप्लेन करूंगा कि ये इंजन कहाँ यूज होगा, कौन से रॉकेट के ऊपर यूज होगा, कब लॉन्च होगा, सब कुछ जानते हैं। तो चलिए जानते हैं वीडियो के थ्रू। एक बार अगर आप जाओगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में ये मोटर अटैच कर रहे हैं। ध्यान से देखो, जो ऑरेंज कलर ट्यूब है वो मोटर नहीं है, वो एक ट्यूब है जो ट्रांसड्यूसर को कनेक्ट होती है पीछे, जहाँ से वो थ्रस्ट वैल्यूज मेजर करता है। तो जो मोटर है वो आगे का ब्लैक सिलेंडर जो अटैच कर रहे हैं वो ब्लैक इसलिए क्योंकि उसका जो शेल है, यानी जो केस है मोटर केस सॉलिड इंजन का, वो कार्बन कंपोजिट से बना है। तो ये इसलिए ताकि वो बहुत लाइट और काफ़ी स्ट्रांग भी हो एट द सेम टाइम। आप देखोगे काफ़ी वायर्स वगैरह उसको अटैच्ड है, ये मोस्टली सेंसर्स होने चाहिए डेटा गैदरिंग के लिए। फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से एक वायर नॉजल के अंदर जा रही है, ये मोस्टली उनका इग्नाइटर होना चाहिए जो इस सॉलिड रॉकेट मोटर को इग्नाइट करेगा। और आप नोटिस करोगे जैसे इग्नाइट होता है ये अपने आप बाहर आ जाता है और बाहर गिरता है। इंटरेस्टिंग ये कि इन्होंने 4K में रिलीज़ किया, तो आप जूम करके थोड़ा काफ़ी डिटेल्स देख सकते हो। तो इसका नाम जो रखा है वो कलाम 5 इसलिए ये थ्रस्ट डिनोट करता है रॉकेट इंजन का, इस केस में 5 किलो न्यूटन्स। इनका नेमिंग स्कीम कम्प्लीटली ऐसा काफ़ी अलग है, यूनिक है। तो इनके जो भी सॉलिड रॉकेट मोटर्स है उन्हें वो कलाम से नाम देंगे, तो कलाम जो भी नंबर ऑफ थ्रस्ट है। इनके जो रॉकेट्स है वो विक्रम सीरीज के रॉकेट्स है और इनका जो फोर्थ स्टेज इंजन है लिक्विड इंजन, उसका नाम है रमन इंजन। देखने लायक होगा जब भी अपना मेथोलॉक्स इंजन रेडी करते तो उसका नाम क्या रखेंगे। अगर आपने मेरा स्पेसएक्सेस ऑफ इंडिया वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसमें मैं मेंशन करता हूँ और दिखाता हूँ विक्रम 1, 2 और 3 इनके जो प्लान्ड रॉकेट्स है उसके बारे में। वो एक सुपर हैवी रॉकेट या हैवी रॉकेट प्लान कर रहे हैं, वो कब पता नहीं हमें होगा। विक्रम 1 का अगर आप वो एक्सप्लोसिव व्यू देखोगे तो उसकी 4 स्टेजेस है। फर्स्ट 3 स्टेजेस सॉलिड रॉकेट मोटर्स है, फोर्थ स्टेज जो है लिक्विड स्टेज है वेलोसिटी ट्रिमिंग स्मॉल एडजस्टमेंट्स के लिए, फाइनल इंसर्शन के लिए, वो रमन इंजन्स है उसमें 4 जो बाहर रहते हैं फेयरिंग के। तो फिर ये जो कलाम 5 टेस्ट किया वो इन 3 स्टेजेस में से कौन से स्टेज में होगा? कोई भी स्टेज में नहीं होगा। कलाम 5 एक एक टेस्टिंग के लिए समझ लो इसे, मतलब एक पाथ फाइंडर काइंड ऑफ मोटर जो उनके केमिस्ट्री वगैरह वेरीफाई करेगा, उनका जो अजम्पशंस है और उनके जो कैलकुलेशंस है वो सब वेरीफाई करेगा। इसमें से वो अपने इनफ रिक्वायर्ड प्रॉपर थ्रस्ट वगैरह मिल रहा है कि नहीं वो कैलकुलेट करेंगे। तो इन सब का टेस्टिंग कब होगा? तो टोटल 5 स्टैटिक फायर्स होने वाला है। ये था फर्स्ट वाला 5 किलो न्यूटन वाला, उसके बाद होगा एक 80 किलो न्यूटन वाला, तो ज़्यादा बड़ा होगा। उसके बाद होगा 100 किलो न्यूटन वाला जो होगा थर्ड स्टेज इन दिस केस, जो विक्रम 1 का थर्ड स्टेज है। उसके बाद होगा 250 किलो न्यूटन वाला जो विक्रम 1 का सेकेंड स्टेज होगा मोस्टली, और फाइनली 1000 किलो न्यूटन वाला जो होगा विक्रम 1 का फर्स्ट स्टेज। तो काफ़ी पावरफुल है फर्स्ट स्टेज 1000 किलो न्यूटन, मतलब एक विकास इंजन से भी ज़्यादा थ्रस्ट है उस एक, वो भी इतने छोटे रॉकेट के ऊपर, इमेजिन करो। तो ये कब लॉन्च होगा? वो फिलहाल प्लान है उनका एंड ऑफ दिसंबर 2021। और ये जो विक्रम 1 का थर्ड स्टेज यानी कलाम 100 K100, उसका कुछ ही अगले महीनों में हमें दिखने मिल सकते हैं। और स्काईरूट अच्छा काम कर रहे हैं शेयर करने का अपना प्रोग्रेस सोशल मीडिया पे, तो जानेंगे हम। बस यही था बनाने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कहाँ जाता है ये। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत।